महामारी के इस दौर में लोगों की सेवा का कार्य निरंतर शुरू है। ये तस्वीरें रांची की हैं, जहां आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के स्वयंसेवकों ने 67 दिनों से निरंतर चल रहे भोजन वितरण कार्यक्रम के तहत 800 से अधिक जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण हेहल स्थित आनंद मार्ग गुरु निवास पर किया गया। इसके साथ ही लगभग 200 बच्चों को कुरकुरे एवं बिस्कुट का पैकेट भी दिया गया। आपको बता दें, 67 दिनों से लगभग 52,100 जरूरतमंदों को यह स्वयंसेवक भोजन करा चुके हैं। वहीं केंद्रीय अमर कोऑर्डिनेटर आचार्य सत्याशयानंद अवधूत ने इस मौके पर बताया कि नित्य प्रति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक भोजन ग्रहण करने वालों को लिक्विड सोप से हाथ धुलाया जाता है और सैनिटाइजर करने के बाद ही भोजन दिया जाता है। वहीं आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम देश के विभिन्न प्रांतों के अधिकांश जिला के अमर टीम 67 दिनों से लगभग 32,00,000 फूड पैकेट यानी पका हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। विश्वव्यापी संस्था 180 देशों में कार्यरत है और गैर सरकारी संस्था के रूप में यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के सदस्य तन मन धन से जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें, निरंतर चल रहे सेवा के पुनीत कार्य में डॉक्टर करुणा साहदेव, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर आनंद, निशा केडिया, वही युवाओं का दल, रामकृष्ण, प्रदीप, आनंद, महादेव, रोशनी जी, अखिलेश, वासुकीनाथ व कमल राजा इत्यादि बड़ी ही सक्रियता से इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नाम गुप्त ही रखना चाहते हैं और सेवा कार्य श्रद्धा भाव से किया जा रहा है। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।